पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंचायती राज भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जनपद मुरादाबाद में आपातकाल को काला दिवस 25 जून 1975 के विरोध में सत्याग्रह कर अपनी आवाज उठाने वाले लोगों को नमन कर सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे दुखद काले अध्याय है जिन्हें 25 जून 1975 के रूप में याद किया जाता है। तत्कालीन सरकार ने पूरे प्रदेश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या की थी। आज इस दिन को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के लिए वो काला अध्याय था और उन जख्मों को आज भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्हीं सत्याग्रह करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही कहा कि आज जो हम सुकून की सांस ले रहे हैं उन्हीं सेनानियों की लड़ाई की वजह है। स्मार्ट साउंड। आज ही के दिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा लोकतंत्र का दमन करके काला दिन रूप में आज आपातकाल लगाया था। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मुख्यालयों पर लोकतंत्र सेनानी, रक्षक सेनानी जो हैं, उनके परिवार हैं, उनका सम्मान कर रही है। आज मुरादाबाद में भी दो इकाइयों के द्वारा, मुरादाबाद महानगर और मुरादाबाद जिला के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है। मुरादाबाद जिले में 21 ऐसे लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान किया गया है और हम सब लोग लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जिस प्रकार का लोकतंत्र का दमन करने का काम आज के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने किया था, उसका जागरण, जन जागरण हम लोग कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।